Good afternoon. Let's start. हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे गुडविल के अकाउंटिंग की, किस तरह से हम गुडविल के अकाउंटिंग कर सकते हैं और गुडविल के अकाउंटिंग के बिहाफ पर हम कुछ रिसर्च भी कर रहे थे, ठीक है, जो कि पेज नंबर 42 से स्टार्ट हुए थे। इसमें हमने आई थिंक जी कर लिए थे और बाकी मैंने आपके होमवर्क के लिए दिया था। क्या आपने इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनके प्रैक्टिस की है? यदि की है ये बताइए कौन कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है ताकि वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जा सके, आपका कंफ्यूजन दूर किया जा सके। बट मैं आपको फोर्थ कॉम्पिटेटिव समझा रहा हूँ क्योंकि फोर्थ पे सारा मेथड इंक्लूसिव मेथड है। मैं बात कर रहा हूँ पर फोर्थ की, इसमें सारे क्वेश्चन आपने अब तक कितने भी क्वेश्चन किए थे सारे इसमें आएंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर उनको बोर्ड पे लिखता हूँ। इन डिस्कशन ए एंड बी देयर आर टू पार्टनर इन 3:2, सी इसमें न्यू पार्टनर है, सी इसके अंदर न्यू पार्टनर है। हम मेन पोर्शन की बात करें, हम बात करें मेन पोर्शन की, तो यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है कि सी का शेयर कितना है, पर ये जरूर हमें गिवन है कि सी कितना आउट एज ए गुडविल आ रहा है। तो मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ सी गुडविल इन दिस सेशन। सी जो है वो गुडविल के लिए 20,000 कैश निकाल रहा है। अब इसी क्वेश्चन से हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसमें करने हैं, ठीक है। अब इसमें हमें अलग अलग क्वेश्चन समय करने हैं। सबसे पहले जो मेन कंडीशन है वो क्या है, इसी 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है, 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है। पहली जो कंडीशन है, पहला जो मेथड है वो क्या है, इसी जो एडमिट हो रहा है उसका शेयर 1/5 है और ये भी मेंशन है कि ये इसे कंप्लीटली ए से ले रहा है। इट मींस किस क्वेश्चन में जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो केवल कौन कर रहा है, इसमें सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है, ओनली ए कर रहा है। तो बताइए सबसे पहले कौन सी एंट्री होगी, जल्दी से आंसर दीजिए, सबसे पहले कौन सी एंट्री होगी। इसमें क्लियर इंफॉर्मेशन गिवन है कि कैश में गुडविल लाई जा रही है, इसमें क्लियर इंफॉर्मेशन गिवन है कि कैश में गुडविल लाई जा रही है। तो सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी, सबसे फर्स्ट एंट्री में कौन सी क्लास करेंगे। देखिए कैश में गुडविल आ रही है तो कैश बिजनेस के पास से आया है, कैश बिजनेस के पास से आया है और आने वाली वस्तु को हम ऑलवेज डीआर करते हैं। और गुडविल लाइन मेथड में स्टेप 2 में क्या मेंशन किया जाएगा वो गुडविल लिखा जाएगा, इसके अंदर अमाउंट कितना लिखा जाएगा 20,000 रुपीस लिखा जाएगा। कैश ऑन डीआर, कैश ऑन डीआर करेक्ट है, सीआर में जाएगा, क्या ला रहा है वो गुडविल ला रहा है, इसलिए हम लोग सीआर में क्या लिखेंगे, गुडविल लिखेंगे। अब देखिए गुडविल नजर आने के बाद क्या करते हैं, गुडविल को रिसीव करने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट बताइए। गुडविल को रिसीव करने के बाद, प्राप्त करने के बाद हम नेक्स्ट वर्क क्या करते हैं, अच्छे गुडविल को रिसीव करने के बाद नेक्स्ट जो वर्क हम करते हैं वो क्या करते हैं, तो नेक्स्ट वर्क ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर किनको करते हैं इसका भी उत्तर दीजिए जल्दी से, ट्रांसफर किसको करते हैं, किन पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं, क्या सभी को करते हैं, क्या सभी को करते हैं, वेल ऑल पार्टनर। तो देखिए हम गुडविल को ट्रांसफर कर रहे हैं, गुडविल अकाउंट डीआर ट्रांसफर 20,000 करेंगे टू।
अब भाई ओल्ड पार्टनर में मुझे क्या ए का नाम भी लिखना है या बी का नाम भी लिखना है? और रिप्लाई करने से पहले फर्स्ट केस पढ़ के आंसर देना, फर्स्ट केस जो है फर्स्ट मैटर उसको पढ़ के आंसर देना कि तू ओल्ड पार्टनर लिखना है कि ओनली ए लिखना है या ए बी दोनों लिखना है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि सैक्रिफाइस ओनली ए कर रहा है, सैक्रिफाइस ओनली ए कर रहा है। हमने रूल्स क्या पढ़ा था कि गुडविल को ट्रांसफर करते हैं तो केवल उसी पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे जिसने सैक्रिफाइस किया है, तो इसी का आंसर करेक्ट है तो ओल्ड और पार्टनर को आएगा ए आएगा। यहाँ मेंशन करेंगे इज कैपिटल अकाउंट और 20,000 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग विड्रॉल करने की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि मैंने कहा था विड्रॉल करने की एंट्री केवल उसी केस में करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर कहा जाएगा, तब हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी तब हम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? आई रिपीट, गुडविल को विड्रॉल करने की एंट्री केवल उसी केस में उसी बैंक में की जाएगी जब क्वेश्चन में क्लियरली कहा जाएगा। और यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें विड्रॉल के लिए नहीं कहा गया है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन में, बताइए क्या सेकंड कंडीशन में भी यही एंट्री होगी या कुछ चेंज होगा? सेम टू सेम या कुछ चेंज होगा? क्या फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज होगा? रिप्लाई जल्दी दिया करना, क्या फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज होगा? फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज होगा? और चेंज होगा करेक्ट है, हाँ फर्स्ट में चेंज नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं गुडविल रिसीव कर रहे हैं इसलिए कैश तो गुडविल हो गया, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में सैक्रिफाइस कौन कर रहा था? ए कर रहा था। फर्स्ट कंडीशन में सैक्रिफाइस कौन कर रहा था? ए, इसलिए गुडविल किसको दे दी? ए ही कैपिटल ट्रांसफर कर दी। लेकिन सेकंड केस में सेकंड कंडीशन में सिचुएशन के अंदर सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? बी कर रहा है। कौन कर रहा है? बी कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में आई सैक्रिफाइस में गुडविल किसको दी जाएगी? बी को दी जाएगी। क्या अब समझ में आ गया है आपके? जल्दी से रिप्लाई करिए यस और नो, पूरा वाक्य को एंड और वाई लिखना केवल। क्या अब आपके समझ में आ गया ये? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए क्या अब आपके समझ में आ गया है? वेरी गुड, ठीक है। अब हम एक ही बात कर चुके हैं, आई मीन फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। फर्स्ट में केवल ए था, सेकंड में बी था। थर्ड केस क्या है एक बार आप उसको प्रॉपर वे में रीड करिए। थर्ड क्वेश्चन में ओनली ये लिखा हुआ है कि न्यू पार्टनर एजेंसी 1/5 के लिए एड हो रहा है, बट जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ ए सैक्रिफाइस कर रहा है, सेकंड में लिखा हुआ बी सैक्रिफाइस कर रहा है, थर्ड केस में किसी के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि सैक्रिफाइस कौन किस तरह से करेगा। तो बताओ विदाउट इंफॉर्मेशन सैक्रिफाइस कौन करेगा? मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइस करते हैं, और ये भी बताया था कि जब हमें सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, किसी भी तरह की सूचना नहीं होती है, तो पुराने अनुपात को आई मीन ओल्ड रेशियो को भी सैक्रिफाइस रेशियो माना जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो कितना होगा? रिपीट रिप्लाई मी फास्ट, रिप्लाई मी फास्ट, इस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो कितना होगा? क्लियरली इसमें गिवन नहीं है तो कितना होगा? तो मैंने कहा था जब क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो बिल्कुल भी गिवन नहीं होता है और ना ही कोई इंफॉर्मेशन होती है तो ऑलवेज ओल्ड पार्टनर को ही सैक्रिफाइस रेशियो मानते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2, इसलिए इस 3:2 को ही हम क्या कहेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो कहेंगे। अब मेरा फिजिकल क्वेश्चन है क्या फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज होगा? क्या थर्ड केस में फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज होगा? आई रिपीट अगेन, थर्ड कंडीशन में जो फर्स्ट एंट्री हमें करनी है क्या
क्या उसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा। सेकंड में क्या चेंज होगा बताइए? सेकंड में चेंज होगा कि इस बार ए को भी दी जाएगी और गुडविल बी को भी दी जाएगी, दोनों को ही ट्रांसफर की जाएगी। गुडविल दोनों में ही ट्रांसफर की जाएगी। कौन से रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। और सेक्रीफाइस रेशो तीनों में ही है। मैंने क्या कहा था कि जब क्वेश्चन के अंदर हमें सेक्रीफाइस रेशो नहीं पता होता है और ना ही सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने की कोई सूचना होती है, तो उस केस में हम पुराने अनुपात को ही सेक्रीफाइस रेशो मानते हैं। इसका मतलब हमें पता है कि हमारा सेक्रीफाइस रेशो 3:2 है, तो 3:2 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8000, ठीक है, 1000 8000। क्या सबके समझ में आ गया है? क्या सबके समझ में आ गया है? तो रिप्लाई जल्दी से किया करो। वेरी गुड। क्या सबके समझ में आ गया है? आदित्य, आदित्य समझ में आ गया है? जब सूचना नहीं होती है तो सेक्रेस किसका मानते हैं? ओल्ड पार्टनर का मानते हैं। लेकिन सेक्रेस नहीं दिया जाता है प्रश्न में, क्वेश्चन में, तो हम ओल्ड रेशियो को ही, पुराने अनुपात को ही सेक्रेस रेशियो मानते हैं। ओके, थर्ड केस में क्या चेंज होगा? थर्ड तो यस सही। फोर्थ में क्या चेंज होगा? फोर्थ में क्या चेंज होगा? फर्स्ट में तो वही रहेगी, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस दिया हुआ है। सेक्रीफाइस रेशियो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि ए और बी से इक्वली लेगा, ए और बी से इक्वली लेगा। इसमें से यहां पे सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 में दिया हुआ है। सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 पदों का है फिर पड़ेगा। फर्स्ट पे तो हमें कोई फिर डालना ही नहीं, फर्स्ट एंट्री में किसी भी रेशियो का कोई इफेक्ट नहीं होता है। सेकंड एंट्री में क्या चेंज होगा? एंट्री में चेंज तो नहीं होगा, अमाउंट में चेंज होगा। बताओ कितना कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा? जल्दी से बताइए दोनों पार्टनर में कितना कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा? सेक्रेटरी से गिवन है, इक्वल है ना, आधा प्रॉपर्टी का हाफ, 10000 प्रॉपर्टी का हाफ 10000। इसका मतलब यहां पे जो अमाउंट आएगा 10000 और यहां पर भी कितना आएगा 10000। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? वाई एन यस नो उत्तर भी फास्ट। समझ में आ गया? यहां पर सेक्रीफाइस रेशियो हमें क्लियरली दिया हुआ है, इसमें टेंशन ही हमारी खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? तो नेक्स्ट में कह रहा है कि एबीसी का न्यू रेशियो आपको गिवन है। कौन सा रेशियो गिवन है? न्यू रेशियो गिवन है आपको। तो कैन बी कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो? तो प्राइमरी क्या हम सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, टेल द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। कैसे का फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो? क्या का अनुपात क्या करने का? सेक्रीफाइस रेशियो क्या करने का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब पहले से दिया हुआ है वो तो ओल्ड रेशियो है, और क्वेश्चन के अंदर जो ए है बी है और सी है इनका न्यू रेशियो हमें गिवन है 1:1:3, ये हमें गिवन है। तो ये तो न्यू रेशियो है, कौन सा है? न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि सेक्रीफाइस रेशियो कितना आएगा। सेक्रीफाइस रेशियो कितना आएगा जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए सेक्रीफाइस रेशियो कितना होगा। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है?
सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला हमेशा पहले से क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सैक्रिफाइस रेशियो ऑलवेज ओल्ड पार्टनर का ही कैलकुलेट किया जाता है। सैक्रिफाइस रेशियो ऑलवेज ओल्ड पार्टनर का ही कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए फार्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 3, इसका कितना है 2, सम यानी टोटल कितना हुआ 5 माइनस माइनस, न्यू कितना है 1/5, 1/5 सीखा नहीं ले रहे हैं क्योंकि न्यू पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं करता है, हमेशा सैक्रिफाइस केवल ओल्ड पार्टनर का ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पे हम सॉल्व करें तो बताओ सैक्रिफाइस रेशियो कितना आएगा, वैल्यू आपके सामने ऊपर है, फॉर्मूला प्रूव किया है, आपको केवल सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एलसीएम 5 आएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया 2:1, और इस 2:1 का फिर कहां जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, इस बार जो गुडविल आएगी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उसका अमाउंट कितना होगा, उसका हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको इसको तो भी गुडविल ट्रांसफर की जाती है सैक्रिफाइस रेशियो में, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है 2:1, तो इसको वन में जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 13,333,676,667 ये इसका आंसर होगा। क्या आपके समझ में आ गया है, कैलकुलेटर गुड आंसर एंड फास्ट आंसर, आंसर आपको एग्जाम में क्या करना है, आंसर करेक्ट भी हो और एक प्रॉपर टाइम में जाए, 3 आवर्स आपको मिलेंगे, आपको पूरा पेपर आता है आपकी स्पीड इतनी है कि पढ़ते ही अटेंड कर पाए, इसका फायदा नहीं होगा, हमें स्पीडली काम करना है। इसलिए हम जहाँ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर आपको सोचना है पॉकेट से उनके हेल्दी कि पहले मैं आंसर दूँ फास्ट। अब बात करें लास्ट कंडीशन में, बताइए लास्ट कंडीशन में क्या होगा, लास्ट कंडीशन में भी हमें ऑलरेडी सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमें सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है, और सैक्रिफाइस रेशियो क्यों माना, क्योंकि मैंने बात कही थी क्वेश्चन में जो हमें सैक्रिफाइस के फॉर्मूले दे रखे थे उसका टोटल न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आता है, तो हम उसी को क्या मानते हैं, सैक्रिफाइस मानते हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं कि है नहीं है। तो देखिए 3/20 प्लस 1/20 ये सैक्रिफाइस इंफॉर्मेशन है, तो पहली बात तो हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि यही सैक्रिफाइस क्यों, 3 और 1 4 होते हैं ना, 3 और 1 4 होते हैं, तो नीचे 4 तो नहीं लिखा, डिफरेंट वैल्यू लिखने का मतलब यही सैक्रिफाइस है। अब चेक करोगे तो भी सैक्रिफाइस है, जैसे इनका सम करते हैं 4/20 और उसको सॉल्व करें 4 1 4 4 5 20 1/5 और सी का शेयर भी कितना था 1/5, इसका मतलब हमें ऑलरेडी सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ है, बस इतने में कुछ चेंज होगा नहीं, यहां से चेंज जाएगा। अब बताइए कितना मानता है सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है, अब बताइए इस बार कितना मान आएगा, अब बताइए इस बार कितना मान आएगा, जल्दी से बताइए हमारा सैक्रिफाइस रेशियो 3:1 है और 3:1 में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितना अमाउंट आएगा, अब से रीचेक करो फास्ट से रीचेक करो। अब से रीचेक करो एक बार वापस से, आदि श्योर अबाउट दिस आंसर, Abhishek, are you sure about your answer? Very good, Abhishek. हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन हो जाते हैं, पैटर्न होता है ना, हमें पता है। जैसे सपोज 4 थीटा पहले होता है हमें पता है, पर वहां पे क्या होता है 4 थीटा सेल, हम उसको गलती से
प्लस करके आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हमें इन्हीं मिस्टेक की बात करना है। ओके, ध्यान देना, तो यहां से कितना आएगा 14000 और 5000। इस तरह से ये प्रश्न आ रहा है कंप्लीट हो गया। क्या सभी स्टूडेंट ने घर से प्रैक्टिस की थी? हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी मैंने कहा था आगे भी कर सकते हो। कितने स्टूडेंट्स हैं रिप्लाई में, क्या सभी ने प्रैक्टिस की थी? चलो अभिषेक ने प्रैक्टिस की है, मेघा प्रैक्टिस की थी आपने, रिपीट प्रैक्टिस की है, अक्षय आज आप फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन कर रहे हो क्लास, ओके कोई बात नहीं, सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन अब से आप क्लास रेगुलर ले लो, ठीक है? हम पूरी हेल्प करेंगे कि आपको समझ में आए। आदित्य आपको समझ में आ गया? आपने प्रैक्टिस नहीं किया आदित्य? ठीक है, अब बताइए अभी जो क्वेश्चन किया क्या उससे आगे वाला में आपका कौन है, जल्दी से बताइए। अभी जो क्वेश्चन किया उसके बाद नीचे क्वेश्चन है इसमें AB4:3 में पार्ट है, क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई है? क्योंकि जिन्हें प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करेंगे, और सपोज सभी को इसी आ गया है कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो फिर जब प्रॉब्लम नहीं आई तो टाइम स्पेंड क्यों करेंगे? नहीं है क्या? चलो अक्षय को पढ़ लेंगे, आदित्य को पढ़ लेंगे, प्रीत को भी नहीं आई है, मेघा आपको नेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम आई है तो बताए इसको, बताओ मैं आपको मेरे से हूँ, जब प्रॉब्लम आ गई है नहीं है ठीक है, इसको मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ, क्या आप खुद क्या लोगे? यस नो, इसको बताऊँ या नहीं बताऊँ? सोल्व कराऊं या नहीं कराऊं, आगे बढ़ूं? आप कहो तो मैं सोल्व करा दूंगा, मेरा काम है ये। फिर भी हम डिस्कस करते हैं ऑलरेडी, ये बताइए सभी कि जब कोई पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो क्या करते हैं? बस वही आप काम कर जाएगा। जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं जाता है तो एंट्री क्या होती है, इसका रिप्लाई दीजिए। मैं भी बताऊंगा आपको, फिर से बता दूंगा, पता तो चले कितने काम से करेक्ट है। जब कोई न्यू पार्टनर कैपिटल गुडविल सब लेके नहीं आता है तो न्यू पार्टनर को लेकर नहीं आता है क्या एंट्री करते हैं? वेरी गुड, करंट अकाउंट डेबिट करते हैं इसका न्यू पार्टनर का, इसका न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर सी न्यू पार्टनर था और उसने क्लियर लिखा है कि वो गुडविल का अमाउंट वो कैश में नहीं ला रहा है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वो गुडविल का अमाउंट नहीं ला रहा है, तो जितना भी शेयर उसका गुडविल में होता है उतना उसके करंट अकाउंट से विड्रॉल करके, करंट अकाउंट डेबिट करके ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसमें तय था, नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ये क्वेश्चन आपको आ गया, क्या इस क्वेश्चन में कोई आपको प्रॉब्लम आई है? हाथों हाथ आप फास्ट से रिप्लाई कर दिया करो क्विकली, अक्षय को प्रॉब्लम नहीं आई है, एक को भी एक प्रॉब्लम आई है तो बताऊंगा, एक स्टूडेंट को भी एक प्रॉब्लम आई है तो बताऊंगा। अभी जो क्वेश्चन किया सेम वही है, इसके अंदर भी न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, लेकिन एक और बात इसमें ऐड की है वो क्या है कि गुडविल अकाउंट पहले से ही एग्जिस्ट है, आई मीन ख्याति खाता पहले से ही खुला हुआ है। तो बताइए जब पहले से ही गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट होता है, ख्याति खाता खुला हुआ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? जब पहले से ही ख्याति खाता आई मीन गुडविल अकाउंट ओपन है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बस ये बात लास्ट क्वेश्चन में नहीं थी इसमें ऐड किए,
उसमें पहले से कोई गुड लुकआउट टोकन नहीं था, लेकिन इस किस्म में आई मीन 6 किस्म में गुड लुकआउट पहले से ही एग्जिस्ट है। तो बताइए गुडविल अकाउंट पहले से ही एग्जिस्ट होगा आई मीन खुला हुआ होगा तो हमें क्या करना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल अकाउंट पहले से ही ओपन है तो हमें उसको क्या करना है, हमें उसको क्लोज करना है, आई मीन उसको हमें करना है रिटर्न ऑफ। क्या करना है उसको रिटर्न ऑफ करना है, क्या करना है उसको रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है। और रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, और ये जो एंट्री होती है ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होती है। कौन से रेशियो में होती है, ओल्ड रेशियो में होती है। तो सबसे पहले इसने कहा है कि पहले से ही 20,000 रुपीस सॉरी 15,000 रुपीस गुड अकाउंट एग्जिस्ट है, पहले से ही 15,000 रुपीस गुड अकाउंट एग्जिस्ट है, हमने इसको क्लोज कर दिया। आई मीन एंट्री की ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट डेट आई मीन एस का अकाउंट डेट 20 का अकाउंट डेट टू गुड अकाउंट क्लोज कर दिया। और जो न्यू गुड थी उसमें से हम उसका शेयर निकालेंगे और उस शेयर से ये चेक करेंगे कैश में ला रहा है नहीं ला रहा है, किस तरह से ला रहा है। तो यहाँ पर कैश में ला नहीं रहा और नहीं लाता है तो करंट अकाउंट से विड्रॉल करके करंट अकाउंट को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो जरूर आप स्क्रीन पर होने आइए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला मैं बताऊंगा और आई थिंक आप भी यही चाहते हो कि अगला मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा नया तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा मिक्स दे दिया, कंबाइंड फैक्टर इसमें यूज किया है तो आपको पता लगा। नेक्स्ट वाला इसमें बता रहा आपको, तो मैं ये समझा आप इसको रिटर्न कर लीजिए, ठीक है। अगले की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहां पर ए और बी, यहां पर ए और बी 2:1 में पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है, 2:1 में पार्टनर है, किस रेशियो में 2:1 में ऑलरेडी पार्टनर है। और यहाँ पर जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है वो है सी, और सी जो न्यू पार्टनर है वो 1/4 के लिए आ रहा है। सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। अब यहाँ पे जो नई बात क्या कह रही है कि सी का जो टोटल गुडविल थी वो 4200 4200 की टोटल गुडविल गुडविल ऑफ सी, सी की गुडविल कितनी थी 4200। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछता है, क्या यहाँ पर नई बात आई है, किस तरह से उसको हमें सोल्व करना है, अभी उसकी बात कर लेते हैं। तो किया क्या उसने कि इस 4200 में से उसने क्या किया, 3000 को दे दिए कैश में, टोटल जो 4200 था उसमें से 3000 तो दे दिए उसने कैश में। क्या कंप्लीट अमाउंट आ गया, कंप्लीट अमाउंट नहीं आया। 4200 जो अमाउंट डिसाइड किया था एज ए गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर उसमें 3000 कैश में आया, लेकिन अभी भी कितना रह गया, 1200 रह गया। और इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पहले मैं दोनों की सेपरेट सेपरेट देख सकता हूँ फिर आगे बात करेंगे। तो 3000 कैश में आया ना तो इसकी एंट्री कैश में लाने के अकॉर्डिंग होगी, ये कैश में नहीं लाया तो इसकी कैश में नहीं लाने के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। बुक में एंट्री करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, कंबाइंड की, बट मैं उस कमेंट को पहले सेपरेट सेपरेट बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं कमेंट को सेपरेट सेपरेट करके फिर बात करेंगे कि वो बनी कैसे, हमें पता होना चाहिए वो एंट्री बन रही है बन कैसे रही, क्यों बनी वो एंट्री उसकी बात कर रहे हैं। कैश में लाना है, कैश में लाने की फर्स्ट एंट्री कौन सी होती है, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, और कैश में गुडविल कितनी मिलेगी, 3000, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि जब गुडविल में कैश मिली है इसके बाद हम उसको ट्रांसफर करना होता है, क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है।
अब ट्रांसफर जो करते हैं वो सेक्रीफाइस रेशो में करते हैं। अब इसमें डायरेक्टली तो हमें सेक्रीफाइस रेशो नहीं दिया गया है, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें सेक्रीफाइस रेशो नहीं दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्टली नहीं पता पर वैसे दो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। और इनमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि ओल्ड रेशो हमारे पास, सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है कि यहां पर हमें न्यू रेशो रेशो के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो जब ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो भी पता है, तो आई थिंक हम लोग सेक्रीफाइस रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, तो यहां पर हम सॉल्व करें तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इसका फार्मूला होता है सेक्रीफाइस का, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो देखिए ओल्ड का था ए का और बी का 2/3 1/3, न्यू रेशो कितना गिवन है उसकी हम बात करते हैं, न्यू रेशो कितना गिवन है उसकी बात करते हैं। तो न्यू रेशो किसमें दिया 5/3/2, इट मींस 5/10 3/10। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए सेक्रीफाइस रेशो कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि सेक्रीफाइस रेशो कितना आएगा। आपके सामने वैल्यूज होती हुई है, सब कुछ मेंशन किया हुआ है, आपको रिप्लाई करना है कैलकुलेशन करके, बताइए जल्दी से सेक्रीफाइस रेशो कितना आएगा। फास्ट आंसर, फास्ट कितना सेक्रीफाइस रेशो आएगा, स्लो वे चलो सॉल्व के बता रहा हूं कितना सेक्रीफाइस रेशो आएगा। एलसीएम ले ली तो 30 आएगा, इसका भी 30 आएगा, अभिषेक का आया है 5/1, अक्षय का आया है 5/1। मेघा आपका आंसर इन दोनों से मैच नहीं हो रहा है, आपका आंसर 2:2 बना रहा है, इनकरेक्ट है, 2:1 इनकरेक्ट है। तो आप चेक कर लीजिए मिस्टेक आपसे कहां हुई है। तो ऐसे कितना 30 30, ठीक है, ठीक है। सर 10 10 या 10 को हम क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया 10 2 20 प्लस 10 का सिंपल टाइम किया 10 का 30 में सिंपल टाइम किया 0 से मल्टीप्लाई किया कितना है 15। आंसर क्या है 5/30। इधर देखते हैं ठीका को पेन टाइम किया 10 आ जाए, यहां पे रिटर्न किया 0 से मल्टीप्लाई किया 9 आ जाए 1/30। इट मींस अपना जो सेक्रीफाइस रेशो आएगा वो 5:2 बना है। तो मेघा आपकी मिस्टेक आपको पता लग गई कहां हुई है, मेघा आपको आपकी मिस्टेक पता लग गई है ना कहां पे आपकी मिस्टेक की है। अब 3000 को 5:1 में हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना अमाउंट आएगा ये बता दीजिए। 3000 को जब हम लोग 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना अमाउंट आएगा, 3000 को 5:1 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना अमाउंट आएगा, 3000 5/6 6/5 कितना आ जाता है, 19 का उत्तर गुडविल अकाउंट दिया था टू इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, वेरी गुड। तो आएगा 2500 और 500। ये मैंने केवल उस पोर्शन की बात की है जितना अमाउंट कैश में ला रहा है, मैंने केवल उस पोर्शन की बात की है जितना अमाउंट कैश में ला रहा है। तो क्या ये बात समझ में आ गया, जानते हो कैश में लाने पे क्या करते हैं, पहले कैश को रिसीव कर लेते हैं और रिसीव करने के बाद हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं, कैश में कितना काम होता है। और जब कैश को नहीं लाता है तो क्या करते हैं, उस केस में क्या करते हैं, सीज जो पार्टनर है उसके किस अकाउंट से निकालेंगे,
करंट अकाउंट से निकाल दिया, इस करंट का दिया टू ए स्टेटमेंट अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस बार कितना अमाउंट कैश में नहीं ला रहे, वो 1200 अमाउंट नहीं ला रहा है, तो इसको भी सेकंड कैश रेशियो में हम लोग उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे, तो 1200 को हम लोग 5:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको भी जब हम लोग 1200 को 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक 1500 आएगा, कितना आएगा 1500। तो मैं एक बार जाना चाहता हूँ यहाँ तक की तीनों भी समझ में आ गया आपके, कंबाइन की बात करेंगे इसके बाद। यस हाँ, यहाँ तक एंट्री समझ में आ गया सबके, चलो सब जाइए यहाँ तक की एंट्री आपके सबके समझ में आ गई, यहाँ तक की एंट्री सबके समझ में आ गई। अब देखिए हमें करना है इसको जो बुक में बनाई बता रहा हूं ये सेपरेट है, पर इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बस इनको कंबाइन कर दिया है क्योंकि इसमें भी ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं और इसमें भी दोनों क्या हो रहे हैं क्रेडिट, इसे दोनों को एक साथ कर दिया तो एंट्री क्या बनेगी बताइए, इनको जब कंबाइन करेंगे तो डीआर में कौन कौन रह गया मैं बता रहा हूँ, इधर डीआर में रह गया आपका गुडविल अकाउंट दिया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या आया, सीज करंट अकाउंट दिया गया, तो यहाँ पे तो 3000 आ गया, यहाँ 1200 आ गया, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल। अब देखिए ए पहले 2500 रुपए से सीआर था, यहाँ 1000 से सीआर और हो गया, टोटल कितने से हो गया 3500 से सीआर हो गया, बी 5000 से पहले था 700 से पहले था 200, अब हो गया तो बताओ टोटल कितने से हो जाएगा 700 से हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि अभी बनने से बुक में कौन से एंट्री को कमेंट किया गया था, फर्स्ट के सेकंड एंट्री को और सेकंड एंट्री ज्यादा नहीं बचे हैं।